शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म न जाने कितनी सारी वेदनाओं से गुजर रहे हैं। जैसा अर्जुन जी को लगा था युद्ध के पूर्व इस युद्ध के कारण मैं हूं, वैसा ही युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर जी को लगा कि इस आसन पर मैं बैठ तो लूं, पर इस आसन के लिए न जाने कितने सारी हानि हुई है, जीवों की हानि हुई है, सुन रहे ना। तो धर्मराज महाराज युधिष्ठिर को समझाने हैं तो पितामह भीष्म के पास ले गए। पितामह भीष्म ने कई बातें समझाई, उसमें से पहली बात तो ये थी जो संसारी है उसने बहुत अर्थार्जन करना चाहिए, उसने बहुत पैसा कमाना चाहिए, किंतु अपने कमाए हुए धन का 10% हिस्सा, ये हिस्सा धर्म के कार्य के लिए देना चाहिए। ये पहली बात। पता है कुछ दिन पहले मैं मुंबई के एक बड़े ही अच्छे महानुभव से मिली, कोई लोग उनके तारीफ कर रहे थे कि पता है आपको दीदी, ये 10% हमेशा हर महीने में दान करते रहते हैं, हर महीना इनकी कमाई का 10% दान होता ही है। तो उनके एक वाक्य को सुनकर मुझे बड़ा ही आनंद हुआ, मैं बड़े ही संतोष का कारण उस समय महसूस कर रही थी, और वो ऐसा था कि उन्होंने कही वाली आगे बात, उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी, ये तो गोविंद की मुझ पर कृपा है कि वो केवल 10% ही लेता है और बचे हुए 90% वो मुझे देता है, मेरे परिवार को देता है, मेरी सुविधा को देता है। क्या एटीट्यूड, इसे बोलते हैं दान देने की कला। दिया तो बहुत कुछ है लेकिन मन में अभिमान नहीं। बाबूजी को देखकर मुझे उनकी बार बार याद आती रहती है, बार बार याद आती रहती है। मन में समाज के लिए करने की कुछ इच्छा, जीवन में धन तो बहुत संचय किया हो, धन तो बहुत कमाया हो, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ करना है उस समाज के लिए, उस गांव के लिए, शायद हो सकता है जो गांव ज्ञान की विरह, ज्ञान के विपरीत या फिर ज्ञान के अलावा अपने जीवन जीता आ रहा हो। आइए फिर कथा की ओर बढ़े। तो पहली बात तो बताइए, जो धनवान है उसने अर्थार्जन करे और 10% धर्म के कार्य के लिए दिए, और फिर दूसरी बात बड़ी ही महत्वपूर्ण कही, वो बात जानना जरूरी है, वो है कि पाप कर्म करने वाले से भी दोषी ज्यादा वो है जो देखते रहता है पाप कर्मों को। सुन रहे ना। इसके बाद कहे जाने वाली बात बहुत ही जरूरी है, इसलिए बार बार मैं पूछती हूँ, सुन रहे ना। दोनों हाथ आगे करें, मेरे साथ ताली बजाएं, जो ताली बजाए वो मेरे साथ ताली बजे तो समझ लीजिए उनका ध्यान है, और मेरी ताली बजी नहीं और आपकी अगर बजती हो तो समझ लेना, ठीक है ना। तो मेरे साथ ताली बजाएं, मेरे साथ बजाएं। कुछ लोग अभी भी शुरू ही है, हो सकता है प्रभाव में स्वभाव भूल जाए। लोगों को प्रभावित करना आसान है पर प्रकाशित करना नामुमकिन तो नहीं, हाँ थोड़ा कठिन जरूर है, पर जो प्रकाशित करते हैं वो कभी प्रभावित नहीं होते किसी वस्तु से नहीं, किसी बात से नहीं, और प्रभावित जो नहीं होते समझ लीजिएगा उन्होंने धर्म को धारण किया है, और धर्म को धारण करने वाली बात यही बताई गई है कि पाप देख करने वाले से सबसे बड़ा दोषी है पाप देखने वाला, यही चाणक्य नीति शास्त्र ने कहा। महाभारत का युद्ध अधर्मियों के अधर्म के कारण नहीं हुआ, धर्मियों के निष्क्रियता के कारण हुआ है। एक बात बताऊं आपको, धर्मियों सज्जन लोगों ने निष्क्रिय हो जाना, सज्जन लोगों की निष्क्रियता दुर्जन के दुर्व्यवहार को प्रोत्साहित करने का कारण है। अच्छा, 2-3 लोगों ने ताली बजाई, औरों ने क्यों नहीं बजाई? सब बजाइए, जोर से बजाइए, और बजाइए इसलिए ताकि आसपास जो बैठे हो कम से कम जाग तो जाए,
कोई बात अच्छी लोगों तो ताली बजा दीजिए, कोई बात नहीं। दोन बातें हैं, पहले तो ये है कि कम से कम मुझे भी पता चले कि आपको पता चल रहा है, और दूसरी बात ये है किसी को निद्रा देवी पसंद हो गई तो ताली बजाए तो कुछ हुआ है शायद, तो वो जग तो जाए। तो हमारे बुरे कर्म किसी सज्जन की निष्क्रियता दुर्जन के दुर्जनता को प्रोत्साहन देने का कारण है, बस यही सत्य है। अक्सर देखा जाता है कि सज्जन सक्रिय नहीं होता, सज्जन हमेशा निष्क्रिय होता है। आमा लगाए करे जाओ जाना, चलता है चलने दो। अरे चलता है चलने दो, क्या इतना भी नहीं सोच सकते कि आसपास के लोग अगर व्यसनाधीन हो गए हो तो वो आग की एक एक वो आग की एक प्रतिशत भी अगर आपके घर में आती है ना, तो निश्चित ही आपका घर भी जल जाएगा, आपके घर में भी अनेकों व्यसनाधीनताओं से हम गिर जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? समझ रहे? अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ अच्छा करो मेरे भाई, अपने खुद के स्वार्थ के लिए अच्छा करो बस। एक एक बच्चा भागता भागता आया और कहने लगा, महाराज जी हमारे गांव में बड़े ही खराब लोग हैं, आपको क्या बताओ, बड़े ही दुर्जन है। अच्छा बहुत दुर्जन है? हाँ बहुत दुर्जन है। कितने दुर्जन है? नाम लिख के लाओ। तो 5-10 नाम लिख के लाए और पूछने लगे, तुम्हारे गांव की लोक संख्या कितनी है? बड़े बहुत है, 15,000-20,000 है। 20,000 लोगों में कितने बुरे लोग हैं? 5 लोग। अच्छा 20,000 लोगों में 5 बुरे लोग हैं। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में बुराई का कारण ये 5 बुरे लोग नहीं, तुम्हारे गांव में बुराई का कारण बचे हुए ये सब लोग हैं, जो सज्जन तो है पर निष्क्रिय है, कोई करने के लिए कुछ तैयार नहीं। हमारे आसपास वर्तमान स्थिति में कोई सुधार आने के लिए हम कुछ करें, कितना बड़ा है कितना छोटा है ये न सोचो, कुछ करो। वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ तो करो। आज देखो कितनी भीषण बात हो रही है, आतंकवाद। छोटे छोटे बच्चे, 15-20 साल के बच्चों को न जाने क्या सिखाया जाता है, बंदूक थाम देते हैं हाथ में, आतंकवाद घिरा गया है। और आतंकवाद से घिरे हुए लोग, छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है कुछ, कांधे पे बंदूक लेके खुद को आतंकवादी कहलाते हैं। मेरा तो मानना यही है, कोई भी बुरा नहीं है, बुरे नहीं है, बस बीमार है, बस बीमार है, उनकी बीमारी को ठीक करना है। कोई शारीरिक तौर पर, कोई मानसिक तौर पर बीमारी, इस बीमारी को ठीक करना बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही जरूरी है। सुन रहे ना, सुन रहे ना। तो हमने कितना बड़ा कार्य किया ये जरूरी नहीं, छोटे से छोटा कार्य भी मददगार सिद्ध होगा, बहुत मददगार सिद्ध होगा। सुन रहे? गुरु नानक सिंह जी, गुरु नानक सिंह जी के शिष्य भाई दारो ने देखा एक घर में आग लग गई, 1 किलोमीटर दूरी पर कुएं से पानी लाने लगे और उस अग्नि पर डालने लगे। किसी ने कहा, भाई दारो क्या तुम्हें समझ नहीं है कि तो बाल्टी भर पानी से, इतने कम पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो भाई दारो कहने लगे, बुद्धि मुझे भी है, इतनी समझ तो मुझे भी है कि बाल्टी भर पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, किंतु इन आग के लपटों को देखकर मुझे अपने गुरुदेव के वचन याद आए। मेरे गुरुदेव गुरु नानक सिंह जी हमेशा कहते थे, भाई दारो याद रख, जब समाज पे संकट आए तब जो बन पड़े वो करना, लेकिन खड़े खड़े तमाशा मत देखते रहना, खड़े खड़े तमाशा मत देखते रहना। आगे चलकर जब इस आग लगने का इतिहास आगे आएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं रहेगा, या फिर आग लगने के उपरांत हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए लोगों में नहीं रहेगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा। और मुझे यही जरूरी है, मुझे तो यही जरूरी है।
आसपास में बहुत सारी गलत बातें हो रही है, बच्चे व्यसनाधीन हो रहे हैं, बच्चे अपने माता पिताओं को वृद्धाश्रम छोड़े जा रहे हैं। हमने अपनी नेत्रों से देखा है, एक बच्चा बैंक में अधिकारी है, एक बच्चा बहुत कमाई करता है लेकिन उनके माता पिता वृद्धाश्रम में। इसका कारण पता है क्या? बस इस आग के लपटों को हम देख कर केवल बैठे कि बैठे रहे, उसको बुझाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस इतना ही कारण है। और अगर ऐसे ही बैठे रहोगे ना तो उस आग को अपने घर तक पहुंचने के लिए समय नहीं रहेगा। हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि बस इस बढ़ रही आग को बुझाने के लिए बस छोटे से छोटा क्यों न हो पर कदम तो जरूर उठाए, बस कदम तो जरूर उठाए।